नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। उज्जैन में दो दिन पूर्व दताना मताना में विधायक की गाड़ी से टक्कर लगने पर दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। करनी सेना मूल के कार्यकर्ता द्वारा किसी काम से हॉस्पिटल पहुंचने पर घायल बच्चों के परिजनों द्वारा मारपीट के मामले में करनी सेना मूल के अधिकारी और सदस्यों ने आज माधवनगर थाने का घेराव कर दिया। सर, आज का क्या चाहती है करनी सेना? यही चाहती है कि ना तो हम कानून हाथ में लें, शासन प्रशासन भी हमारी मदद करे और हम भी शासन प्रशासन के साथ में। पर जिस तरीके से आज 3 दिन हुए इस घटना को हुए है और आज भी जब हमने दबाव बनाया और उनके परिवारजनों के ऊपर भी दबाव बनाया तब में जाके और आज वो पेश हुए हैं। तब पेश हुए हैं तो जब हमारे दबाव से पेश हुए हैं तो हमारे पदाधिकारी के साथ उसने जो अभद्रता की है तो वो माफ़ी मांगी है। पुलिस का क्या कहना? पुलिस का एक कहना है कि हम थाने में माफ़ी नहीं मंगवा सकते हैं। आप पुलिस के साथ जाएंगे, नियम जो कानून है उसके हक में ही रहना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि माफ़ी हो? माफ़ी हो, हम ये तो चाहते हैं। नहीं नहीं, और उन्होंने कोई वीडियो वायरल की भी बात कही थी, आपके कार्यकर्ता भी कह रहा है कि हमने वीडियो बना के, इस मामले में पुलिस का क्या कहना? इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि हम ये सब हम नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप कहीं और बैठ के आपका समझौता होता है या वो माफ़ी मांगते हैं तो उससे हमको कोई आपत्ति नहीं थी, पर थाने पे आने के बाद में हम थाने पे माफ़ी नहीं मंगवा सकते। आपका नाम? श्री राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह।